हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग इन कॉमिक क्रिएशन। तो आप मुझे देख रहे हो ऐसे पोर्शन में। मैं अभी स्कूल से आई हूँ और अभी हमारे घर पे प्रिपरेशन चल रही है क्रिसमस की। बाय द वे, आज है 21 दिसंबर। तो मैं अभी स्कूल से आई हूँ और मुझे पापा ने बोला है कि चटनी बनाने के लिए, तो कुछ भैया लगे हुए हैं बनाने के लिए, तो अपन तो नहीं बनाएंगे। चलते हैं देखने के लिए कैसे बनी है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और कैसे बनाते हैं वो भी बताती हूँ। अब हम जाते हैं देखने। टन टन बन कर रेडी हो गया है हमारा चटनी। देखते हैं अंदर से कैसे दिख रहा है। इस पे मैं कुछ कुछ रखूंगी मूर्तियां, तब मैं आप लोगों को पूरा ब्लॉग दिखाती हूँ। वेलकम बैक फ्रेंड्स, जैसे कि अभी टाइम हो रहा है 3 o'clock, सभी को गुड आफ्टरनून। तो मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, हाथ हाथ में लग गया है, जिसके कारण मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई उसको। तो मैं आज यहाँ से स्टार्ट करूँ और दोनों ब्लॉग को मैं कॉम्बाइन कर दूंगी, फर्स्ट डे और आज का। तो मैंने आप लोगों को जैसे कि बोला था कि मैं क्राइप का डेकोरेशन करूँगी आप लोगों के साथ में ही, तो चलिए चलते हैं क्रिसमस क्राइप डेकोरेशन के लिए। फ्रेंड्स, मूर्तियाँ मिल गई हैं, ये रखा रखा हुआ था, जम गई है, तो हम इसे पहले क्लीन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारी सारी मूर्तियां क्लीन हो चुकी है। इसे अब हम क्रैप पे लगाएंगे और मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ डेकोरेशन के सामान। तो ये कुछ बेल्स हैं और ये इसके ऊपर लगाने वाले टेप हैं, जिसको हम अभी पुट करेंगे इसके ऊपर। और फिर ये सारे स्टार्स हैं, ये कुछ कुछ आइकन है जिस पे हम लगाएंगे। पहले मैं इसको सेट कर लेते हैं, उसके बाद मैं दिखाती हूँ कैसे लगती है ये। तो पूरा डेकोरेशन हो गया है हमारा क्राइप का, तो इसे फुल दिखाती हूँ मैं कैसे लग रहा है। टंटडन, तो मैंने कुछ स्पेशल चीज लाए हैं डेकोरेशन के लिए, तो हम इसे भी इस पे लगा देते हैं।
वेलकम बैक गाइस। तो आज से 24 दिसंबर, नाउ क्रिसमस सर्विस है, तो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपन क्या क्या बनाए हैं। कुछ कुछ रोटी बनाई है मम्मी, चलिए दिखा। तो ये मैंने बनाया है केक जो बन के अभी रेडी हो रहा है, और इसे मैंने ओवन पर डाला है। कैसा लग रहा है? और ये है सेव जो मम्मा बनाई है, और एक डिश है ये रखा हुआ है नमकीन जो कि मैंने बनाया है, और रोस्ट केक बन रहा है अभी, तो उसे बनने के बाद दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं, अब बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ आप लोग। तो फ्रेंड्स चलिए अभी मैं आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। हमारे घर पर लाइट से सजा हुआ है, और एक चीज़ मैंने जो क्राइप बनाया था आप लोगों के साथ डेकोरेशन किए उसे, अभी नाइट में कैसे लग रही है चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स चलते हैं हम अभी बाहर देखने के लिए। तो ये हमारा ब्यूटीफुल हाउस। और ये हमने बनाया है क्राइब, मैं आप लोगों को ऊपर से जाके दिखाती हूँ पास से। हम चलते हैं। ऊपर में थोड़ी अंधेरा है अभी, यहाँ पर लाइट ही लाइट। तो ये है क्राइब, आप देख सकते हो। तो अब बताइए कैसा लग रहा है, मैंने इस पे क्लोथ डाल दिया है और टैरी को भी लगा दिया है यहाँ। तो मेरा पूरा डेकोरेशन क्राइब पर कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन पे बताइए। तो यहाँ से ऊपर का नजारा देखिए कैसे लग रहा है। गाइस मैंने अपना हेयर कर्ली किया है क्रिसमस नाइट के लिए, कैसा लग रहा है? तो ये है हमारा क्रिसमस आउटफिट, हम कैसे लग रहे हैं बताइए साड़ी में। तो फ्रेंड्स अब हम निकलते हैं चर्च के लिए। तो हम अब निकल गए हैं चर्च के लिए, रास्ते पे हैं, बस पहुंच ही है। बहुत भीड़ भड़ाका लग रही है रोड पे, क्रिसमस नाइट के लिए सब आ रहे हैं। ये हमारा ब्यूटीफुल चर्च, चलिए चलते हैं अंदर की ओर। और ये है हमारे चर्च का सबसे मेन गेट, यहाँ से एंटर करते हैं हम। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है फादर लोगों का कॉन्वेंट। और ये सामने में आप देख रहे हो ऑल्टर गर्ल्स बॉयज हैं व्हाइट व्हाइट ड्रेस पहने हुए, और ये मम्मियाँ खड़ी हुई हैं डांस के लिए, ये परघाते लेंगे फादर लोगों को। और ये है क्राइब बनाए हैं यहाँ, चर्च का मेन क्राइब है जो बाहर बनता है, मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी अच्छे से। चलिए चलते हैं।
की कृपा से कि जब वे हमारा न्यायकर्ता बनकर पधारेंगे तो हम निर्भय होकर उनका सबसे दर्शन कर सके। आज इस पावन रात्रि में यह उपस्थित सभी माता पिता भाई बहनों को आपके कोमल चरणों में अर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं, वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानंद जीते। खत्म हो चुका है, मैं आप लोगों को क्राइब दिखा चर्च। आप देख
देख रहे हो पूरी चर्च को इतनी सुंदर डेकोरेशन की गई है, पूरी लाइट से सजाया हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है चर्च। उसपे भी लाइट लगा दी है पूरा। यहाँ देखिए कितना सुंदर लग रहा है अपना चर्च। हम फाइनली घर पहुंच गए हैं चर्च करके, और अभी हम जा रहे हैं अंदर और मैं आप लोगों को अपना घर दिखाती हूँ। टन टन, ये है चर्च के आने के बाद का ग्लो, सो प्रीटी।